तो आज की कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो मेगा माइंड को देखते हैं, जो सबसे खतरनाक विलन बनना चाहता है, पर मेगा माइंड के रास्ते में सिर्फ एक ही अड़चन है, जो कि मेट्रो मैन है और वो एक सुपर हीरो है। लेकिन मेट्रो मैन को हराने के बाद मेगा माइंड काफी अकेला फील करने लगा, क्योंकि अब उसके पास कोई भी फाइट करने के लिए था ही नहीं। इसीलिए उसने फाइट करने के लिए खुद का एक सुपर हीरो बनाया, पर यह मेगा माइंड की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो हीरो एक विलन बन जाता और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, जिसकी वजह से मेगा माइंड को खुद ही उस हीरो को मारना पड़ा और वो पूरे मेट्रो सिटी को भी बचाता है, जिससे अब मेगा माइंड समझ चुका था कि उसकी किस्मत में खुद ही हीरो बनना लिखा है। इसीलिए अब मेगा माइंड खुद एक हीरो बन गया है। आगे हम एक फिश गैंग को देखते हैं, जो कि फिश पोर्ट में एक जैम से बनी फिश चुराने आए थे, पर तभी मेगा माइंड वहां पर आ जाता और उन चोरों को रोकने लगता है। लेकिन वो चोर एक फिश टैंक को तोड़कर उसमें से शार्क निकाल देते हैं, जो कि मेगा माइंड पर अटैक करने वाली थी, पर तभी वहां पर मेगा माइंड अपना एक डिवाइस निकालता है, जिससे वो उस शार्क को एक बॉक्स में बदल देता है। फिर वो एक लेजर से उन चोरों को पकड़ लेता है, पर उसकी एक गलती की वजह से वो चोर वापस से आजाद हो जाते हैं और वो चोर बाहर जाकर अपने टैंक में बैठ जाते हैं, जहां से वो मेगा माइंड पर अटैक करने लगते हैं। पर मेगा माइंड अपने दिमाग का यूज करता है और उस शार्क वाले बॉक्स को उन चोरों के टैंक में ही डाल देता है, और पानी को छूते ही वो बॉक्स वापस से शार्क में बदल जाता है, जिससे अब वो चोर उस टैंक को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक लेडी को टक्कर मारने वाले थे। पर मेगा माइंड अपने बाजू का यूज करता और उस टैंक को दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे मेगा माइंड ने उन चोरों को भी पकड़ लिया और उस लेडी को भी बचा लिया। पुलिस वाले मेगा माइंड की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सिटी में अब काफी शांति है। हम देखते हैं न्यूज रिपोर्टर भी वहां पर यही बात कर रहे होते हैं कि मेगा माइंड की वजह से उनकी सिटी में काफी अच्छा माहौल है और क्राइम भी डेली कम होते जा रहे हैं। तभी हम वहां पर एक लड़की कोको को देखते हैं, जो मेगा माइंड के नाम का फैन क्लब चलाती है और उसके फैन क्लब पर 500,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वो वहां पर पता करने आई थी कि मेगा माइंड का अगला मूव क्या होगा, जिससे वो सिटी को और ज्यादा सुधार सके। तभी हम चम को देखते हैं, जो पहले मेगा माइंड का राइट हैंड मैन हुआ करता था, पर अब मेगा माइंड उससे अच्छे से बात भी नहीं करता और सिर्फ छोटे मोटे काम ही करवाता है। इस चीज से चम काफी ज्यादा निराश है। अब चम हिम्मत करता और मेगा माइंड से जाकर कहता है कि अगर वो उसे पहले की तरह इज्जत नहीं देगा तो वो मेगा माइंड की टीम को छोड़ देगा। मेगा माइंड काफी आसानी से चम को जाने के लिए बोल देता और चम भी कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। हालांकि मेगा माइंड को लग रहा था कि वो जरूर कुछ टाइम में वापस आ जाएगा, इसीलिए वो उसे रोकता भी नहीं है। इसके बाद हम चार लोगों की क्रिमिनल गैंग को देखते हैं, जो जेल में थे, पर तभी वो मेगा माइंड को न्यूज में देखते हैं। असल में मेगा माइंड पहले उनका लीडर हुआ करता था, पर अब मेगा माइंड को सिटी का हीरो बनता देख वो चारों मेगा माइंड से मिलने का डिसाइड करते हैं। उन चारों के पास काफी कमाल की सुपर पावर्स थी, जिसकी वजह से वो चारों आसानी से जेल से भाग जाते हैं। वहीं मेगा माइंड को अपने छोटे काम करने में काफी दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि ये सभी काम पहले चम कर लेता था, पर अब मेगा माइंड के साथ चम था नहीं। तभी डोर बेल बजती है और मेगा माइंड को लगता है कि चम वापस आ गया होगा, इसीलिए वो जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है, पर वहां पर वो नहीं होता बल्कि उन्हीं चार गुंडों की टीम होती है। मेगा माइंड उन्हें वहां पर देखकर काफी हैरान था, पर वो सभी मेगा माइंड से वापस मिलकर काफी खुश थे। असल में उन्हें लग रहा था कि मेगा माइंड सिर्फ हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है और अंदर से अब भी मेगा माइंड विलन ही है और वो सिटी के लोगों को पागल बना रहा है, और मेगा माइंड को भी उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो उन्हें इसी वहम में रहने देता है कि वो सिटी को पागल बना रहा है। तभी रिपोर्टर रॉक्सिन सामने आती है और वो सभी गुंडे मेगा माइंड से पूछने लगते हैं कि ये जर्नलिस्ट उसके साथ क्या कर रही है। अब रॉक्सिन को बचाने के लिए मेगा माइंड झूठ बोल देता है कि वो उसकी फियांसे है, जिसके बाद अकेले में रॉक्सिन मेगा माइंड से पूछती है कि उसने उन सभी को झूठ क्यों बोला, जिस पर वो बताता है कि अगर उन विलेंस को पता चल गया कि मेगा माइंड सच में अब अच्छा बन चुका है तो वो चारों उससे फाइट करने लगेंगे और वो अकेले उन चारों को हरा नहीं पाएगा। फिर रॉक्सिन को पता चलता है कि वो मेगा माइंड ही था जिसने सिटी के सबसे खतरनाक विलेंस को इकट्ठा किया था, और अब वो चारों ही मेगा माइंड के लिए परेशानी बन चुके हैं। मेगा माइंड डिसाइड करता है कि वो इस झूठ को चलते रहने देगा जब तक कोई अच्छा प्लान नहीं वो सोच लेता कि उन चारों को वो कैसे रास्ते से हटाए। फिर हम देखते हैं कि वो चारों गुंडे सिटी में जाकर क्राइम्स करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो पिछले काफी टाइम से जेल में थे और वो सभी सिटी में तबाही मचाना मिस कर रहे थे। अब मेगा माइंड रॉक्सिन को इस सब के बारे में मेयर को बताने की कहता है, जिससे वो सिटी को खाली करा दे। फिर हम देखते हैं कि मेगा माइंड को भी उन चारों के साथ सिटी में डिस्ट्रक्शन करने जाना पड़ता है, पर वो अपने रोबोट्स को काम पर लगा देता है, जिससे वो चारों जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं मेगा माइंड के रोबोट साथ ही साथ हर चीज को ठीक भी कर देते हैं। तभी कोको भी वहां पर आ जाती है और उसके ऊपर एक काफी बड़ी स्क्रीन गिरने वाली थी, पर मेगा माइंड उसे बचा लेता है। फिर वो कोको को वहां से जाने की कहता है, क्योंकि ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। फिर वो चारों गुंडे बैंक में चोरी करने की कहते हैं,
पर बैंक में लोग थे इसलिए मेगामाइंड पहले अकेले ही जाने की कहता है और अगर कोई दिक्कत हुई तो वो उन सबको बुला लेगा। अब मेगामाइंड अंदर जाता है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को बैंक से बाहर किया जाए क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही लोगों को सेफ रख सकता है। तभी वहां पर कोको आ जाती है और मेगामाइंड की मदद करने के लिए सभी लोगों से झूठ बोलती है कि मेगामाइंड यहाँ सभी को इंस्ट्रक्शन देने आया है कि अगर सच में कोई बैंक लूटने की कोशिश करे तो उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, जिससे मेगामाइंड का काम भी हो जाता और उन चारों गुंडों को लग रहा था कि मेगामाइंड अब भी पहले जैसा ही है। उसी रात मेगामाइंड लेटे हुए सोचने लगता है कि एक दिन उन गुंडों को सच्चाई का पता चल ही जाएगा और ये मेगामाइंड के लिए काफी बुरा होगा। तभी वो सोचता है कि सिर्फ चम ही था जिसने मेगामाइंड के अच्छे बनने के डिसीजन को काफी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था, इसी वजह से अब उसे लगने लगता है कि उसे चम को और ज्यादा इज्जत देनी चाहिए थी। तभी वहां पर उसे गाने की आवाज आती है और जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन गुंडों ने उसके बेस में पार्टी रखी है और उस पार्टी में काफी सारे क्रिमिनल भी आए थे। असल में उन गुंडों ने सिटी के लिए फेयरवेल रखा था क्योंकि वो जल्दी उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तभी वहां पर वो फेस गैंग भी आ जाती है जिसे हमने पहले देखा था। मेगामाइंड जानता था कि अगर उन्होंने सभी को बता दिया कि किसने उन्हें अरेस्ट कराया था तो उन गुंडों को पता चल जाएगा कि मेगामाइंड ने उनसे झूठ बोला है, पर वो फेस गैंग किसी को कुछ बता पाती इससे पहले मेगामाइंड उन्हें अपनी लेजर गन से छोटे बॉक्स में बदल देता है। अगले दिन भी मेगामाइंड कुछ सोच नहीं पाया था कि कैसे वो उन गुंडों से बचे, पर तभी वो सभी वहां पर आ जाते हैं और मेगामाइंड से पूछते हैं कि कैसे वो सिटी को खत्म कर सकते हैं क्योंकि मेगामाइंड ने उन्हें अच्छा कोई प्लान बताने का वादा किया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो उन्हें बताता है कि उसका प्लान है कि वो उस सिटी के नीचे काफी स्ट्रांग रॉकेट लगाकर उसे चांद पर शिफ्ट कर देंगे। उसका ये प्लान सभी को काफी अच्छा लगता है। फिर मेगामाइंड उन्हें दिखाता है कि उसने पहले से सिटी के नीचे रॉकेट लगा दिए हैं। वो सभी मेगामाइंड से कहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करना है, पर मेगामाइंड उन्हें बताता है कि वो कंट्रोल रूम में जाने का पासवर्ड भूल चुका है और सिर्फ कंट्रोल रूम से ही उन रॉकेट को एक्टिवेट किया जा सकता है। अब ये सुनकर उन सभी को काफी गुस्सा आता है और वो मेगामाइंड को सिर्फ आज तक का टाइम देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने आज ही आज में अपना काम पूरा नहीं किया तो वो चारों खुद ही पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब मेगामाइंड के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो चम के पास मदद लेने के लिए जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि चम अपनी नई जॉब में काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसका नया बॉस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साथ ही उसकी वजह से उस रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आने लगे हैं। अब मेगामाइंड अपने दोस्त की खुशियाँ खराब नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है और अकेले ही उन चारों को रोकने का डिसाइड करता है। वो वापस अपने बेस पर आ जाता है और वो गुंडे मेगामाइंड के साथ एक ग्रुप फोटो लेने की कहते हैं क्योंकि अर्थ पर उनका ये आखिरी दिन होने वाला है। अब वो उनके साथ फोटो लेने की जगह उन्हें अपने लेजर ट्रैप में फंसा लेता है और उन्हें सब सच बता देता है कि अब वो सच में बदल चुका है और वो इस सिटी की रक्षा करना चाहता है। ये सुनकर अब वो सभी मेगामाइंड के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं, पर मेगामाइंड उन्हें वापस से जेल में डालने की कहता है, लेकिन तभी उसके लेजर की मशीन खराब हो जाती है और वो चारों वापस से आजाद हो जाते हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेगामाइंड की पसीने की एक बूंद उसी बॉक्स पर गिर जाती है जिससे वो फेस गैंग आजाद हो जाती है और वो सभी को बता देती है कि मेगामाइंड अब बदल चुका है और उसी ने उन्हें अरेस्ट करवाया था। वो चारों मेगामाइंड पर अटैक करने लगते हैं और मेगामाइंड काफी मुश्किल से उनसे बच पा रहा था। तभी वो उसे एक चेयर पर गिरा देते हैं, लेकिन उस चेयर पर रॉकेट लगा था जिससे मेगामाइंड वहां से भागने लगता है, पर फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके चेयर को वो हवा में ही ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि मेगामाइंड अब मर चुका है और इसके बाद वो खुद ही मिलकर पूरी सिटी को स्पेस में लॉन्च करने का डिसाइड करते हैं। पर हम देखते हैं कि मेगामाइंड अब भी जिंदा है और उन चारों को इस बारे में पता भी नहीं है। तभी रॉक्सिन और कोको मेगामाइंड के पास आते हैं और वो उन्हें बताता है कि अब वो हार मान चुका है क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी उन चारों को हरा नहीं सकता, इसीलिए अब मेगामाइंड एक भिखारी बनकर रहेगा जिससे वो चारों उसे कभी ढूंढ ना सके। पर रॉक्सिन उसे समझाती है कि चम की मदद से वो उन चारों को हरा सकता है। अब वो भी अपने दोस्त चम से मदद लेने के लिए तैयार था, पर उसे पता नहीं था कि चम वहीं पर है और वो भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार है। मेगामाइंड भी इस बार चम को एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों गुंडे उस डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो डोर टाइटेनियम से बना था इसीलिए काफी कोशिश करने के बाद भी वो डोर टूट नहीं रहा था। मेगामाइंड और चम प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो बिना किसी को पता चले बेस में जा सकते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसीलिए वो कोको की मदद लेते हैं। वो उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, पर बदले में मेगामाइंड से कहती है कि वो उसे खुद सेल्फ डिफेंस सिखाएगा। मेगामाइंड भी इसके लिए तैयार हो जाता है और कोको सुपरमार्केट में जाकर सारी जरूरत की चीजें खरीद लाती है। वहीं वो गुंडे डोर तोड़कर कंट्रोल रूम में पहुंच चुके थे, लेकिन तभी मेगामाइंड लाइव टीवी पर आता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो अभी तक मरा नहीं है।
इसीलिए वो सभी पहले उसे रास्ते से हटाने का डिसाइड करते हैं। चम और कोको एक सीक्रेट टनल से कंट्रोल रूम में जाने लगते हैं, लेकिन चम के टनल में जाते ही काफ़ी सारे वेपन उसके सामने आ जाते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर तभी चम को एक छुपने की जगह मिल जाती है और वो बच जाता है। साथ ही सारे वेपन एक दूसरे को ही शूट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे कई सारे रोबोट्स पड़ जाते हैं। चम को उनसे बचकर भागना पड़ता है, पर जल्दी वो उसे पकड़ भी लेते हैं और चम को अपना बॉडी सूट छोड़कर भागना पड़ता है। वहीं वो चारों गुंडे बाहर आ जाते हैं, तभी मेगा माइंड और रॉक्सिन उनके ऊपर टेनिस बॉल से अटैक करने लगे थे। और वहीं इधर चम कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका था और रॉकेट के टाइमर को भी रोकने वाला होता है, पर तभी फिस गैंग चम को रोक देती है। और अब पूरी सिटी उड़ने लगी थी, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे थे। सिटी को खत्म होने से बचाने के लिए चम को फिस गैंग से जीतना ही था। काफी मुश्किलों के बाद और काफी चोट लगने के बाद चम फिस गैंग को हरा देता और रॉकेट को रोक देता है। लेकिन अब वो पूरी सिटी काफी ऊंचाइयों से नीचे गिर रही थी। मेगा माइंड चम को बताता है कि उसे हैंडर कंट्रोल का यूज करके सिटी को गिरने से रोकना होगा, पर चम काफी ज्यादा थक चुका था और वो काफी टाइम से पानी से बाहर था, जिसकी वजह से वो हील भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी मदद के लिए मेगा माइंड वहाँ एक रोबोट भेजता है और वो रोबोट चम को पानी देता है। वहीं मेगा माइंड रॉक्सिन और कोको के साथ मिलकर चारों गुंडों को भी हरा दिया था और वो तीनों भी चम की मदद के लिए जल्दी ही निकल जाते हैं। वो तीनों वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि चम अकेले लीवर नहीं खींच पा रहा, लेकिन फिर वो तीनों मिलकर लीवर खींच देते हैं और सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। अब मेयर भी वहां पर आ जाता और इस सब का इल्जाम वो मेगा माइंड पर डालने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। पर रॉक्सिन मेयर से कहती है कि जब पूरी सिटी इतने बड़े खतरे में थी, मेयर खुद कहीं छुपा हुआ था और वो अब आया है जब सब कुछ ठीक हो चुका है। मेयर इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि रॉक्सिन सच ही बोल रही थी। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां रॉक्सिन खुद ही मेयर बन चुकी है, क्योंकि उसने पिछले हादसे में लोगों की काफी मदद की थी, इसलिए लोगों ने सबसे ज्यादा वोट रॉक्सिन को दिए थे। अब मेगा माइंड और बाकी सभी सिटी के लोगों के सामने सिटी को हमेशा सेफ रखने की कसम खाते हैं और वो चारों गुंडे जिन्हें वापस से जेल में भेज दिया गया था, वो बैठे होते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है, जो कि उनका नया लीडर बनने की कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।